अ वेरी वार्म वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। और क्लास 11th में आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है बच्चों, दैट इज प्लांट किंगडम। आप पढ़ रहे थे एल्गी के बारे में। एल्गीज आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑन देयर कलर्स एंड स्ट्रक्चर, दैट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड एंड स्टार्ट आवर लेक्चर। बच्चों बच्चों मैंने आपको प्लांट किंगडम स्टार्ट कर दिया था, जिसमें आपको प्लांट किंगडम जिसमें थैलस का स्ट्रक्चर पाया जाता है, आपका थैलोफाइटा कहलाता है। पहले उसको थैलोफाइटा कहते थे, अब डिवीजन में एल्गी ही लिखते हैं बार बार। उसमें आपका क्लासिफिकेशन विथ एंजियोस्पर्म्स था, आपका आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन बाय लीनियस, लीनियस के द्वारा दिया गया था आपका, बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एंड्रूशियम स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और एंड्रूशियम के स्ट्रक्चर पे वो डिपेंड था। उसके बाद आपका फिर क्या आया, उस समय पे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई थी, तो वो आपका वेटेज मतलब वो डिमेरिट निकल गया उसका, क्योंकि वेजिटेटिव में जो बाह्य वातावरण था उससे फर्क पड़ जाया करता था। उसके बाद क्या आया आपका, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, जिसमें क्या था, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, इसके बारे में आपको बताया गया था विस्तार से, गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, numbers and codes assigned to all characters easily carried out using computers. Computers के लिए ये computers से आप इसको easily carry out कर सकते थे। Cytotaxonomy based on cytological information such as chromosome numbers, structure and behavior. Chemotaxonomy based on chemical constituents of plant to resolve doubts and confusions. Division algae. डिविजन एल्गी, एल्गी एल्गीज आर सिंपलेस्ट प्लांट, सबसे साधारण पौधे जो हैं वो आपके कहलाते हैं एल्गी। इंक्लूड्स क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉयड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक एंड मरीन ऑर्गेनिजम्स। सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट थैलॉयड यानी उसके अंदर थैलस की संरचना पाई जाती है, ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, एंड लार्जली एक्वेटिक मोस्टली जलीय होते हैं, that is fresh water and marine both. Some occur in association with fungi, that is lichens, fungi and algae, association of fungi and algae, that is lichens, and association of algae and animals on sloth bear. Moist stones pe paaye jaate hain, soils mein, nam bhoomi mein, woods pe aur bahut sari nam jagahon pe. Size ranges from microscopic unicellular forms such as chlamydomonas to colonial forms. Unicellular मतलब chlamydomonas और colonial forms मतलब आपका wall box. And to filamentous forms जैसा आपका such as Eulothrix and Spirogyra. Some marine forms such as kelps बहुत विशाल काय होते हैं, form massive plant like bodies. उसमें reproduction किस तरह से होता है algae में आपका? Reproduction is of three types in algae found, that is vegetative reproduction like fragmentation, is example is Spirogyra, उसमें क्या होता है कि fragmentation के बाद हर एक fragment से क्या होता है, development हो जाता है किसका, thallus का। Spore formation के द्वारा asexual reproduction होता है, that is zoospores, zoospores क्या होते हैं, बाद में आपके डेवलप हो जाते हैं एक नई प्लांट बॉडी में। और उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है आपका, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, युग्मक संलयन होता है, दैट इज आइसोगैमस, गैमेट्स सिमिलर इन साइज, एन आइसोगैमस इन दिस गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, एंड ऊगैमस दैट इज वन गैमेट लार्ज एंड नॉन मोटाइल दैट इज फीमेल गैमेट, एंड अदर गैमेट स्मॉलर एंड मोटाइल दैट इज मेल गैमेट, एग्जाम्पल इज वॉल वॉक्स एंड फ्यूकस। Economic importance of algae. Algaes are majorly carbon dioxide fixation carried out by algae on earth is majorly carried out by algae. सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है वो पूरी पृथ्वी पर वो एल्गी के द्वारा ही किया जाता है। इंपॉर्टेंट एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ये प्राथमिक उत्पादक
होते हैं और एनर्जी रिच कंपाउंड्स इनके अंदर बहुत होते हैं, जैसे आपका सार्गासम, लैमिनेरिया एंड पोरफायरा यूज्ड एज फूड। सम ब्राउन एंड रेड एल्गी स्पीसीज प्रोड्यूस वाटर होल्डिंग हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स का मतलब पानी को फिक्स करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल आपका एल्गिन दैट इज टेकन आउट फ्रॉम ब्राउन एल्गी एंड केराजीन दैट इज रेड एल्गी। क्या होता है इसे, अगर प्रोड्यूस्ड बाय जेलिडियम एंड ग्रैसिलेरिया इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। किसके प्रिपरेशन में यूज होता है आपका, आइसक्रीम्स और जेलीज के प्रिपरेशन में यूज होता है। तो आइसक्रीम और जेली का प्रिपरेशन जब होता है तो किस तरीके का होता है ये आपने फील किया होगा। जेली सभी बच्चों ने देखा है, जेली खाने के लिए भी बच्चों के आती है फ्रूट जेली, तो उसकी वो सॉलिड भी नहीं होती और लिक्विड भी नहीं होती है। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर प्रोटीन रिच यूनिसेल्युलर एल्गी यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स। दे आर आल्सो नोन एज स्पेस फूड, यानी स्पेस में यूज होती है ये फूड के रूप में। स्पेस में जो भी स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं, जो स्पेस में जाने वाले यात्री होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनमें ये उनके फूड के लिए ये यूज की जाती है। स्पाइरुलिना इज आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट इन टैबलेट फॉर्म। मेजर क्लासेस ऑफ एल्गी, शैवाल के कुछ मेजर क्लासेस हैं, वो क्या क्या हैं आपके एल्गी। एल्गी थ्री टाइप्स की होती है। नंबर वन इज क्लोरोफाइसी, नंबर टू इज फियोफाइसी एंड नंबर थ्री इज रोडोफाइसी। नंबर वन इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी इज ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी इज ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी इज रेड एल्गी। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्लोरोफाइसी, जिसका एग्जाम्पल है आपका वॉलबॉक्स, हरे शैवाल होते हैं, ये आपकी पेरेंट कॉलोनी है और इसके अंदर ही डॉटर कॉलोनी का डेवलपमेंट हो जाता है और उसके बाद फिर आपके यूलोथ्रिक्स भी उसमें आते हैं। कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, ये ज्यादातर साधारणतया ये क्या कहलाते हैं, हरे शैवाल कहलाते हैं। कैसे हो सकते हैं, मे बी यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय हो सकते हैं, कॉलोनियल यानी बहुकोशिकीय कॉलोनी में हो सकते हैं, यानी या मान लो एक कोशिकीय ही हो तो कॉलोनी में यानी एक साथ होंगे, या बहुकोशिकीय भी और फिलामेंटस और तंतुमय भी हो सकते हैं। ग्रास ग्रीन इन कलर ड्यू टू अबंडेंस ऑफ क्लोरोफिल, उसमें कौन से कलर के होते हैं, ग्रास ग्रीन, जिस तरीके की घास का कलर होता है, हरी घास का जो कलर होता है उसी कलर के ये होते हैं। ड्यू टू अबंडेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, उनके अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की प्रेजेंस होती है। क्लोरोफाइसी में ग्रीन कलर के होते हैं, ये यूनिसेल्युलर कॉलोनियल और फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, ये साधारणतया इनके अंदर क्या क्या होती है, क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट होता है और क्लोरोफिल बी नाम का पिगमेंट होता है और इसीलिए कलर ग्रास ग्रीन, जिस कलर की हरे रंग की घास होती है उसी कलर के ये होते हैं। तो ये पिगमेंट्स जो है आपके डिफिनेट क्लोरोप्लास्ट्स में होते हैं, ये पिगमेंट्स आपके डिफिनेट क्लोरोप्लास्ट्स में होते हैं। अलग अलग स्पीसीज में इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चों, वो अलग अलग शेप का हो सकता है। अलग अलग स्पीसीज में क्लोरोप्लास्ट जो है वो अलग अलग शेप का हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट कौन कौन से शेप के हो सकते हैं आपका, क्लोरोप्लास्ट आपके अलग अलग शेप के हो सकते हैं, जैसे आपका डिस्कॉइड शेप, प्लेट लाइक हो सकते हैं, रेटिकुलेट जालवत हो सकते हैं, कप शेप्ड कप के आकार के हो सकते हैं, स्पाइरल शेप यानी कि सर्पिलाकार हो सकते हैं, या रिबन शेप्ड रिबन के आकार के हो सकते हैं। जो बहुत ज्यादातर मेंबर्स जो होते हैं अलग अलग स्पीसीज में, इनका क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड होता है, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, सर्पिलाकार या स्पाइरल और रिबन शेप्ड हो सकता है। ठीक है, अलग अलग आपके मोस्ट मेंबर्स में, सबसे ज्यादा मेंबर्स में जो क्लोरोप्लास्ट्स में है उसमें एक या एक से अधिक पायरिनोइड्स पाए जाते हैं, स्टोरेज बॉडी पाए जाते हैं। और पायरिनोइड्स में स्टार्च के अलावा क्या क्या, आपका प्रोटीन, स्टार्च के अलावा आपका प्रोटीन भी उसमें स्टोर होता है। तो शेप्स ऐसे देख लेंगे, क्लोरोप्लास्ट कौन कौन से शेप के पाए जाते हैं, डिस्कॉइड,
प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल एंड रिबन शेप्ड। क्लोरोप्लास्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द क्लोरोफाइसी कंटेन स्पाइरिनोइड्स, उनमें क्या पाए जाते हैं, ज्यादातर में क्या पाए जाते हैं, पाइरिनोइड्स क्या पाए जाते हैं। पाइरिनोइड्स क्या होते हैं, पाइरिनोइड्स दैट इज स्टोरेज बॉडीज कंटेनिंग प्रोटीन्स इन एडिशन टू स्टार्च। पाइरिनोइड्स ऐसे स्टोरेज बॉडीज होते हैं जिनमें स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी पाया जाता है उनके साथ में। फूड स्टोरेज अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स इन सम एल्गी, कुछ एल्गीज में जो आपका भोजन का संग्रहण है वो फूड स्टोरेज आपका ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है। कुछ एल्गी में फूड जो है वो किस में, ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में स्टोर हो सकता है। ठीक है, सेल्स हैव रिजिड सेल वॉल, सेल्स में एक रिजिड सेल वॉल होती है जो अंदर की तरफ सेलुलोज से और बाहर की तरफ पेक्टोज से मिल करके बनी हुई होती है। सेल्स हैव रिजिड सेल वॉल, इनर लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर मेड अप ऑफ पेक्टोज। आउटर लेयर जो है वो पेक्टोज की बनी होती है और इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है। जो सेल वॉल होती है उसकी इनर लेयर सेलुलोज की और आउटर लेयर पेक्टोज की बनी हुई होती है। एग्जाम्पल्स इसके कौन कौन से हैं ग्रीन एल्गी के, आपका वॉल्वॉक्स, कारा एंड क्लेमाइडोमोनास। वॉल्वॉक्स, कारा, क्लेमाइडोमोनास इसका एग्जाम्पल है ये आपका। बात करेंगे हम इसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें, ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा या विभिन्न प्रकार के स्पोर्स के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के द्वारा जो जूस्पोरेंजिया में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद अलावा बच्चों इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जिसमें सेक्स सेल्स बनती हैं और ये आपका आइसोगैमस, जो आपका ऊपर मैंने एल्गी के रिप्रोडक्शन में बता दिया है, ये आपका आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस हो सकती हैं, जैसे आपका वॉल्वॉक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, कारा है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, ये सारे आपके ग्रीन कलर के एल्गी में, मतलब ग्रीन एल्गी में या क्लोरोफाइसी में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, आज हम बात करेंगे ब्राउन एल्गी की, फियोफाइसी। फियोफाइसी का मतलब ब्राउन एल्गी, जब भी फियोफाइसी का नाम आएगा तो ब्राउन एल्गी उसको समझेंगे। ब्राउन एल्गी कैसे होते हैं, प्राइमरीली मरीन फॉर्म्स यानी कि समुद्री होते हैं, ये समुद्री स्थानों में अधिक पाए जाते हैं आपको ब्राउन एल्गी। ग्रीन एल्गी तो आपको फ्रेश वाटर में भी दिखेगा, आपको अपने घरों में भी नम दीवारों पे बारिश के मौसम में दिखाई पड़ सकता है, पर आपका ब्राउन एल्गी जो है वो प्राइमरीली मरीन फॉर्म्स में होते हैं तो ये आपको समुद्री स्थान पे ही ज्यादा पाए जाते हैं। ये साइज और फॉर्म में इसमें बहुत सारी वेरिएशन दिखाते हैं, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, उनकी साइज और फॉर्म में वो अपने वेरिएशन दिखाते हैं यानी कि विविधता दर्शाते हैं। ये कैसे होते हैं, रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड, सिंपल ब्रांच हो सकते हैं, ये फिलामेंटस फॉर्म्स में हो सकते हैं जो आपका मैंने बताया था तंतुमय एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स सच एज केल्प्स। केल्प्स जो मे रीच अ हाइट ऑफ 100 meters, 100 meters की हाइट तक भी ये पहुंच सकते हैं। केल्प्स जो विशालकाय एल्गी होते हैं, ये साइज ऑफ फॉर्म में बहुत सारी वेरिएशन दिखाते हैं, ये सिंपल ब्रांच्ड और फिलामेंटस हो सकते हैं, ये बहुत सारे, ये अत्यधिक ब्रांच्ड भी हो सकते हैं जैसे आपका केल्प्स जिसमें बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती हैं। ठीक, इनमें कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, इनमें पिगमेंट पाया जाता है आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। क्या क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ठीक, ये ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर के अलग अलग शेड्स की, देखो ये या ऑलिव ग्रीन हो सकते हैं, ऑलिव ग्रीन से थोड़ा डार्क ग्रीन में हो सकते हैं या ब्राउन कलर के हो सकते हैं या ब्राउन के अलग अलग शेड्स के हो सकते हैं। जो इनमें ज़ैंथोफिल पिगमेंट होता है बच्चों, ये फ्यूकोज़ैंथिन की मात्रा पर डिपेंड करता है, ज़ैंथोफिल पिगमेंट जो है ये फ्यूकोज़ैंथिन की मात्रा पे डिपेंड करता है। वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन,
डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ जैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथिन, उसमें जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन की कितनी मात्रा है उससे उसका कलर क्या होता है डिसाइड होता है, यानी किस कलर का पिगमेंट कितना ज्यादा है उससे उस पौधे का कलर जो होता है वो डिसाइड हो जाता है। फूड स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में स्टोर होता है, और सच एज लैमिनेरिया और मैनिटॉल, जैसे कि आपका लैमिनेरिया में और मैनिटॉल में, इसमें आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में फूड जो है वो आपका सेव होता है, फूड का स्टोरेज जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में सेव होता है। वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं उनमें एक सेलुलोजिक वॉल होती है जो बाहर की तरफ एल्गिन की जिलेटिन कोटिंग से घिरी हुई होती है। वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोसिक वॉल कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन, यानी कि जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं उसकी जो सेलुलोज वॉल होती है वो बाहर की तरफ से जिलेटिनस कोटिंग से कवर्ड होती है, जिसे कहते हैं एल्गिन। जिलेटिनस कोटिंग से कवर्ड होती है तो उस कवरिंग को क्या कहते हैं, एल्गिन कहते हैं। सेल कंटेन्स अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, सेल कंटेन्स अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस इन एडिशन टू प्लास्टिड्स, जो प्लास्टिड्स होते हैं, जो पिगमेंट वाले प्लास्टिड्स होते हैं उनके साथ साथ ये सेंट्रली लोकेटेड इसमें वैक्यूल होता है और इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट बॉडी जो होती है, प्लांट बॉडी तीन भागों में बटी हुई होती है। आपका नीचे वाला भाग कहलाता है जो सतह को पकड़े हुए भाग होता है, ये आपका कहलाता है होल्ड फास्ट, अटैचेस द प्लांट बॉडी टू द सबस्ट्रेटम, आधार से जिस भाग से अटैच होता है प्लांट वो आपका होल्ड फास्ट कहलाता है। उसके बाद स्टाइप, स्टेम लाइक स्टॉक, जो तने के जैसी संरचना होती है स्टॉक की वो आपका स्टाइप कहलाता है, और फ्रॉन्ड कहलाता है लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन, जहां से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छी तरह से हो पाती है, उसको आप जैसे ब्रांचेस को कहते हैं। तो इसमें एक स्टॉक या स्टाइप होती है, पत्ती जैसी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन होता है जिसे आप फ्रॉन्ड कहते हैं, और इसकी प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम या आधार या जमीन से होल्ड फास्ट के जरिए क्या होती है, लगी हुई होती है या चिपकी हुई रहती है। रिप्रोडक्शन इसमें किस तरीके से पाया जाता है, इसमें भी रिप्रोडक्शन तीन तरीके से पाया जाता है, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी आपका जूस्पोर्स के द्वारा होता है, और जूस्पोर्स कैसे होते हैं, बाईफ्लैजिलेट होते हैं, यानी दो उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। दोनों फ्लैजिला साइज में कैसे होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लेटरली अटैच्ड होते हैं फ्लैजिली, ठीक, आपस में वो लेटरली अटैच्ड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके से, आपका आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस, ठीक। यूनियन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन ऊगोनियम, या तो वो वाटर में गैमेट्स का यूनियन होता है या फिर गैमेट्स का यूनियन आपका ऊगोनियम के अंदर हो सकता है, जो आपका ऊगैमस स्पीसीज होती है उसमें गैमेट्स का जो फ्यूजन है वो आपका ऊगोनियम के अंदर होता है। गैमेट्स आर पाइरीफॉर्म, पाइरीफॉर्म का मतलब पियर शेप्ड होते हैं, नाशपाती के आकार के गैमेट्स जो है वो आपके इसमें पियर शेप्ड होते हैं और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, और इसमें दो अनइक्वल फ्लैजिला जो है वो, ठीक है, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस, ये तीन तरीके का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। गैमेट्स का जो यूनियन है वो पानी में या ऊगोनियम, ऊगैमस स्पीसीज में कहाँ होता है, ऊगोनियम में उनका फ्यूजन होता है। गैमेट्स पियर शेप्ड के होते हैं जो पायरीफॉर्म कहलाते हैं, पियर शेप्ड गैमेट्स होते हैं और वो पायरीफॉर्म कहलाते हैं। इनमें दो लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला पाए जाते हैं। आपका फियोफाइसी का मेन एग्जाम्पल है बच्चों एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गासम और फ्यूकस। कौन कौन से एग्जाम्पल है, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। अब ब्राउन एल्गी है तो कलर ज्यादातर इनमें क्या होगा, ब्राउन कलर होगा, ठीक है। हम बात करेंगे रेड एल्गी की, ये भी रेड कलर से ही कर सकते थे कलर, इसको हम रेड कलर से कलर कर सकते हैं।
अगर इसको रेड कलर से कलर कर दिया जाए, वेट करेंगे। अगर इसको रेड एल्गी कहना है तो इसको हम अगर रेड कलर में कलर कर सकें तो ये आपको पहचानने में भी आसानी होगी कि इसमें रेड कलर का पिगमेंट ज्यादा है, इसलिए ये है रेड एल्गी, इसीलिए इसको हम रेड एल्गी कहते हैं। सारे जो भी बच्चों, जो भी चैप्टर में डायग्राम्स हैं, पूरी बायो में जो भी डायग्राम्स हैं उनको अच्छी तरह से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, उनकी लेवलिंग करने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश में मार्क्स जो वर्डिंग्स हैं वो इंग्लिश में ही लर्न करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपको लाइफ टाइम लर्न रहें, और जब आप हायर क्लासेस में जाएं तो आपको उन वर्डिंग्स को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हायर क्लासेस में क्या होता है, बुक्स जो है बच्चों वो ज्यादातर इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें भी आपका जो ऊपर की पत्ती के जैसी संरचना होती है वो आपकी कहलाती है फॉन्ट, और उसके बाद जो नीचे अटैच होता है वो आपका होल्ड फास्ट कहलाता है, और बीच में अगर तने जैसी संरचना है तो वो आपकी स्ट्राइप कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या है आपके यहाँ, इसमें रेड एल्गी में रेड पिगमेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, रेड एल्गी कहलाता है, जिसे आप रोडोफाइसी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, रोडोफाइसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रेड कलर का पिगमेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है, और इसके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कहलाता है आर डैश फाइको एरिथ्रिन। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, आर फाइको एरिथ्रिन। तो हम जब रेड एल्गी की बात करते हैं तो इनकी बॉडी कैसी होती है, रेड कलर की, क्योंकि उसमें रेड पिगमेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है। किस कारण से होता है, फाइको एरिथ्रिन के कारण होता है। और ये ज्यादातर कैसे होते हैं, मेरीन होते हैं, यानी कि समुद्री होते हैं, और ज्यादातर गर्म प्रदेशों में, वार्मर एरियाज में ये ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाटर की सरफेस पे और गहरे पानी में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम रेड एल्गी के बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। बच्चों, आज के सेशन में हमने क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी के बारे में विस्तार से चर्चा की। रेड एल्गी स्टार्ट हुआ, अगले सेशन में हम रेड एल्गी के बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।